ठीक आ जाऊंगा ना। देखो हमने तुम्हें केवल अभी इतना सिखाया था कि किसी भी रिएक्शन के रेट को कैसे लिखा जाता है ना, अलग नहीं है, तू चिंता मत कर। मान ले मेरे पास कोई रिएक्शन है NaOH है ना, प्लस इसमें हमारे पास ZnO है, तो रिएक्शन क्या बनेगा? NaZnO2। तो ये मान लो अगर एक्वस फॉर्म में जलिया, और ये भी ये ठोस अवस्था में, तो ये भी तुम्हारा बना मान लो ठोस अवस्था में, तो इसकी वेग कैसे लिखाओगे तुम लोग? वेग भाई वेग लिखा जाएगा ना इसका, तो इस अच्छा देखो इस संतुलित है क्या, Na2 आएगा तो दो यहाँ लगाना पड़ेगा हाइड्रोजन और साथ में हाइड्रोजन है ना, साथ में H2 गैस बाहर निकल जाएगा, बैलेंस हो गया ये पूरा। ओ कितना है? दो, वहां भी ओ दो है, ठीक है बैलेंस है ये है भाई। अगर हम इसका वेग लिखेंगे तो देखो ये जलीय रूप में है ना, तो जलीय रूप का जो है उसका तो आप लोग सांद्रता लिख देते हो, NaOH की सांद्रता। अब ये गैसीय अवस्था में है, तो गैसीय अवस्था में अगर कोई चीज है तो उसकी सांद्रता थोड़ी होती है, उसका तो दाब होता है ना। अगर दाब आ गया तो उसके लिए कैसे लिखेंगे वेग, है ना? हम तुमको ये सिखाएंगे। एक होता है होमोजीनियस, होमोजीनियस का मतलब क्या होता है? समांगी अभिक्रिया के लिए है ना, तो लिखो हेडिंग डालो आज की, समांगी अभिक्रिया, समांगी अभिक्रिया के लिए स्थिर ताप व दाब पर, स्थिर मतलब कांस्टेंट, स्थिर ताप व दाब पर अभिक्रिया वेग लिखना, ये तुम्हारी हेडिंग हो गया ना। होमोजीनियस का मतलब होता है कोई रिएक्शन ऐसी जिसमें सभी अवयव एक ही अवस्था में हो। फॉर एग्जाम्पल मान लो हमारे पास कौन है, H2 है ये गैस, प्लस O2 ये भी गैस, तो जो बनेगा द्रव वो भी गैस, ठीक है ना? हाँ तीनों गैस अवस्था में है। अरे द्रव हो सकता है क्या? ये गैस भी हो सकता है? जल गैस नहीं होता, H2 गैस नहीं होता, भाप के रूप में होता है ना, वाष्प, तो हो सकता है ना। तो अब ये रिएक्शन देखो इसमें क्या, सारी स्पीसीज रिएक्टेंट भी और उत्पाद भी एक ही अवस्था में है, वो है गैस अवस्था। तो गैस अवस्था में अगर है मतलब ये भी गैस, ये भी गैस, ये भी गैस, तो ऐसा रिएक्शन जिसमें जितने भी स्पीसीज हैं एक ही अवस्था में, उन्हें बोलते हैं समांगी अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? समांगी। तो इसके लिए हम लोग कैसे लिखें क्या चीज? वेग। देखो देखो ध्यान से, देखो ध्यान से। अब मैंने कहा टी और सी क्या है, सी सॉरी टी और पी, टी और पी, टी फॉर टेम्परेचर, पी फॉर प्रेशर यानी दाब, ये दोनों स्थिर है भाई साहब। स्थिर मतलब होता है कांस्टेंट, स्थिर मतलब कांस्टेंट है, अंग्रेजी भी लिख देता हूं है ना, समझ जाएगा लौंडा। इसका पहले मैं वेग लिखता हूं सांद्रता के पदों में, बताओ बैलेंस है ये? नहीं, यहां दो लगाओगे, यहां तुम्हें दो लगाना पड़ेगा। अब क्या है, संतुलित है। अगर मैं वेग लिखूंगा इसका अभिक्रिया का वेग, तो माइनस डी एच टू अपॉन डी टी, यहां दो लगा दूंगा, इज इक्वल टू डी ओ टू अपॉन डी टी, ये भी माइनस में, इक्वल टू 1/2 डी, और यहां पर H2O अपॉन डी टी। देखो ये मैंने वेग लिखा है, तो यहां पर सांद्रता होना चाहिए ना, हमने क्या लिख दिया है, सॉरी सांद्रता लिख दिया है, होना चाहिए था दाब, है ना? तो गलत बात नहीं है, तो हमें यहां पर क्या लिखना है, प्रेशर के रूप में लिखना है। तो कैसे लिखा जाएगा? आप सभी लोगों ने एक सूत्र पढ़ा हुआ है, PV इक्वल टू NRT, PV इक्वल टू NRT, ये आदर्श गैस समीकरण, क्या क्या नाम है इसका? देखो P और T दोनों हमने कांस्टेंट कर दिया है कि नहीं?
और आर पहले से कॉन्स्टेंट है कि नहीं। तो अगर मैं यहां पर पी छोड़ दूं ऐसे ही कॉन्स्टेंट है भाई साहब, आर टी पहले कॉन्स्टेंट है, तो एन अपॉन वी लिखा जा सकता है, नहीं लिखा नहीं लिख सकते ना आर टी। बताओ एन क्या है, मोलों की संख्या, और वी क्या है, आयतन। इसको हम लोग क्या कहते हैं, सी, तीनों समझते, सी आर टी सांद्रता। तो जहां सांद्रता है स्थिर ताप पर, इसको ऐसा करो दाब ना स्थिर नहीं करना, स्थिर ओनली तापमान करना है ठीक है ना, वरना फिर ये काम कैसे होगा इसका, दाब स्थिर नहीं ठीक है ना, स्थिर ताप पर, क्या कहते हैं ना स्थिर ताप पर, थोड़ा अच्छे से लिखते हैं फिर मजा, स्थिर ताप पर, स्थिर ताप पर, हम यहां से भी हटा देते हैं ना, स्थिर ले भैया सब मिटा, स्थिर दाब पर ठीक है ना। देखो अगर दाब है स्थिर ताप पर, हाँ स्थिर ताप पर ठीक है, देखो तापमान फिक्स हो गया है ना, आर हमारा कांस्टेंट है, अगर हम वी को नीचे भेजें तो सी बनेगा। अब तापमान तुम्हारा फिक्स हो गया, आर फिक्स हो गया, तो पी क्या होगा, समानुपाती सी के, नहीं हो जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि जहां पर सांद्रता है वहां पर हम लोग लिख सकते हैं क्या, दाब भी, हम दाब को लिख सकते हैं सांद्रता के स्थान पर ठीक है ना। अभी मैं इसको प्रूफ कर दूंगा कैसे करके ना, इतना कॉपी करो फिर मैं तुमको यहां से भी रिएक्शन लिखवाता हूं। यानी हमारे पास आ गया P इक्वल टू सी आर टी है ना, P इक्वल टू क्या है सी आर टी। देखो यहां पर मुझे दाब चाहिए, तो H2 का दाब कितना होगा, P मतलब क्या है, P मतलब दाब है किसका, यहां पर सांद्रता के स्थान पर मुझे क्या रखना है, दाब P H2, यहां भी क्या रखना है, दाब किसका P O2, यहां पर भी हमें क्या लिखना है, दाब किसका H2 का है कि नहीं, सांद्रता हमको रखनी नहीं है भाई, गैस तुम दाब रखेंगे ना, मैं प्रूफ कर दूंगा कि दाब से सांद्रता कैसे आ जाएगा। दाब क्यों लिखा मैंने, गैस है ना दाब। अब देखो मुझे चाहिए हाइड्रोजन का दाब, दो दाब इक्वल टू क्या होता है, सी क्या है सांद्रता किसकी, एच टू की, और आर टी क्या है कांस्टेंट, आर टी क्या है, तो जहां पर दाब है एच टू की वहां मैं इसको रख सकता हूं ना इस फॉर्मूले से। देखो तो पी ओ टू ये भी क्या होगा, सी ओ टू आर टी, यहां देखो ध्यान से पी एच टू ओ सी एच टू ओ आर टी, मतलब जो दाब है वो सांद्रता से संबंधित है, यहां दिख रहा होगा ये दाब और ये क्या सांद्रता। तो यहां पर मैं इसमें देखो लिख सकता हूं है ना, तो आ जाओ लिखते हैं, तो अभिक्रिया वेग ये तुम्हारे पेपर में नहीं आएगा, ये तो मैं तुम्हें बता रहा हूं कि दाब के स्थान पर हम सीधा क्या लिख सकते हैं सांद्रता, क्यों लिख सकते हैं, तो इस कंडीशन की वजह से, अगर तापमान स्थिर है तो पी समानुपाती सी क्या होता है, तो वो मैं प्रूफ कर रहा हूं ठीक है ना, मेरा काम प्रूफ देना भी तो है। देखो अब माइनस डी है, जहां प्रेशर वहां पर क्या लिखू, ये लिख दूं मैं सी एच टू आर टी है ना, अपॉन में क्या लिख दूं टू डी टी इक्वल टू माइनस डी, जहां पर दाब पी ओ टू है वहां पर सी ओ टू और आर टी लिख दूं, अपॉन में जो है वही छोड़ दूं, अपॉन में तो कुछ छेड़ना ही नहीं है ना, वरना नाराज हो जाएगी। देखो इधर कौन आएगा, वन अपॉन टू डी, पी एच टू ओ के स्थान पर क्या लिखू मैं सी एच टू ओ और ये आर टी, अपॉन में क्या आ जाएगा डी टी, नहीं हो जाएगा। अब एक बात देखो, ये सभी आपस में इक्वल है, आपस में इक्वल है ना, तो ये आर टी कॉन्स्टेंट नहीं है,
ये कट जाते हैं, ये क्या हो जाते हैं, हाँ ये कैंसिल आउट हो जाते हैं, ठीक है ना, ये सारे आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। कॉपी करो इसको फटाफट से, पहले तो देखो आ जाओ। अगर तुम लेना चाहोगे माइनस डी सी टू सी एच टू आर टी अपॉन क्या टू डी टी इक्वल टू, आप क्या रख लो, इसके रख लो माइनस डी सी ओ टू आर टी अपॉन डी टी, तो आर टी आर टी क्या हुआ, खत्म नहीं हो गया, खाली क्या बचा डी सी एच टू और डी सी ओ टू। सी मतलब सांद्रता, किसकी, हाइड्रोजन की, सांद्रता किसकी, ऑक्सीजन की, इक्वल हो गया ना, तो मतलब आप इसको ऐसे काट सकते हो, ऐसे ही तुम इसको इसके इक्वल रख सकते हो, फिर आर टी काट सकते हो, है ना, तो मतलब ऐसे क्या है कि ऊपर का आर टी कट सकता है, तो यहां पर मैं ज्यादा कुछ नहीं ऐसे ही काट के दिखा रहा हूं, है ना, कट खत्म हो गया, तो बचा क्या माइनस डी सांद्रता एच टू की अपॉन टू डी टी इज इक्वल टू माइनस डी सांद्रता ओ टू की अपॉन क्या डी टी इक्वल टू डी और ये सांद्रता जल की और बटे में क्या टू टू डी टी। अब ये क्या है, सांद्रता है, तो आप यहां पे क्या लिख सकते हो माइनस डी, कंसंट्रेशन को ऐसे भी तो लिखते हैं, नहीं लिखते, यानी आपने दाब लिया था और क्या ला दिया, कंसंट्रेशन, सांद्रता ला दिया ना, तो दाब से स्टार्ट किया था हमने, प्रेशर रखा था क्योंकि गैस गैस अवस्था में रिएक्शन है, तो दाब लिया था और सांद्रता में उसको हमने बदल दिया। सिंपल कहने की बात यह है, सौ बात की एक बात, कि अगर दाब दिया हुआ है तो आप उसको डायरेक्ट पुट कर दो सांद्रता के स्थान पर, ठीक है ना, आंसर आ जाएगा और कुछ नहीं, इज इक्वल टू माइनस डी और यहाँ पर ओ टू की सांद्रता अपॉन डी टी और इधर क्या सांद्रता किसकी, ये नेगेटिव लगा दिया एच टू ओ की बटे में टू डी टी। वैसे एच टू ओ है ना, ये लिक्विड है, तो इसका तो एक होता है, क्या होता है इसका एक, लेकिन हमने फिर भी यहाँ पर लिख दिया, ठीक है ना, कोई बात नहीं, ये हमने प्रूफ कर दिया। एक बात साफ है यहाँ से कि सांद्रता दिया हो या दाब दिया हो डायरेक्ट वैल्यू पुट करना है, ठीक है ना। तो सांद्रता के स्थान पर हम लोग दाब यूज कर सकते हैं और दाब के स्थान पर सांद्रता, ठीक है ना, अभिक्रिया वेग, अभिक्रिया वेग, अभिक्रिया वेग अगर दाब के रूप में है तो क्या होता है, एटीएम पर सेकेंड, एटीएम क्या होता है, एटमोस्फेरिक दाब। अगर मान लो दाब के रूप में है तो इसकी इकाई क्या होगी, एटीएम पर सेकेंड, ठीक है ना, हाँ मोल पर लीटर पर सेकेंड था ना, अब क्या हो जाएगा, यहां लिख लो, यदि दाब के रूप में वेग है तो अभिक्रिया वेग की इकाई, अभिक्रिया वेग की इकाई क्या होगी फिर, एटीएम प्रति सेकेंड, है ना, ऊपर दाब होता है नीचे समय, समय का पर सेकेंड हो जाएगा और ऊपर दाब है, ठीक है ना। अब यहां से हमारे पास एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है ना, दाब के रूप में, देखो उसने तापमान फिक्स कह दिया इसमें, है ना, चलो बात करते हैं फटाफट से, छाप लो, छप गया, छप गया, छाप लो, बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन लिखो, 300 केल्विन ताप पर, ऐसे लिखो, निम्न अभिक्रिया के लिए, निम्न अभिक्रिया के लिए 300 केल्विन ताप पर, देखो रिएक्शन ये होगी, एनो रिएक्शन होगी, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके एनो टू बना लेगी, है ना, संतुलित कर लेते हैं इसको, यहाँ दो लगा देते हैं तो दो यहाँ लगा देते हैं, है ना, दो दूनी चार, दो दो चार, बैलेंस हो गया ना, ये गैसीय अवस्था में, ये भी गैस, ये भी गैस, रिएक्शन हुई तो गैसीय अवस्था में, ठीक है ना। ये हमसे कह रहा है क्वेश्चन में कि एनो गैस की प्रेशर जो है वो 700 से 500 एमएमएचजी गिर गया, ठीक है ना, क्या बोलता है कि कितने सेकेंड में, कह रहा है, ये कह रहा है 250
सेकंड में एनओ गैस का दाब 700 से 500 एमएम एचजी हो गया है तो क्या याद करना है? तो औसत वेग निकालना है, ठीक। औसत वेग निकालना है, सात सौ से पांच सौ एम एम एच जी हो गया, ठीक है ना। ये हो गया, तो औसत वेग कितना होगा बताओ। साथ ही इस क्वेश्चन है ना दिया है, हो गया है तो देखो, तो दो क्वेश्चन है इसमें। पहला क्वेश्चन क्या है? अभिक्रिया वेग, अभिक्रिया का औसत वेग निकालो। क्या निकालो? औसत वेग। और दूसरा दो क्वेश्चन है इसमें, ठीक है ना। हाँ, एनओ टू के बनने की दर भी बताओ कितना है। बनने का दर बताओगे तो दो क्वेश्चन है इसमें, ठीक है ना। ट्राई करो एक बार, पहला कर दोगे तो दूसरा तो अपने आप कर दोगे ना। क्वेश्चन से ना हमें पता चलता है कि हमें आया नहीं आया करने से। पहले तो लिखो अभी क्रिया वेग सबके लिए, तो औसत का है तो औसत लिख दो, कोई नहीं। क्या होता है डेल्टा, अब एनओ है ना तो एनओ लिख देंगे। मैंने कहा था सांद्रता दिया हो या दाब, यही लिख दो, है ना। अपॉन में क्या डेल्टा टी, अच्छा दो भी है, साथ दो लगा दो, माइनस कर लगाओ। इक्वल होगा किसके? ये पहलवान चीज है, ओ टू, डेल्टा ओ टू अपॉन कितना डेल्टा टी, और ये इक्वल होगा किसके? डेल्टा एनओ टू के एस के अपॉन डेल्टा टी, है ना। क्या टू नहीं, टू ठीक है ना, टू आएगा। आ गया, ये तुमने पहले निकाल लिया होगा, फिर ये भी तो निकालो। अभिक्रिया वेग पूछा ना, वेग हो गया भाई। कितना आया आंसर बताओ, कर लिया तो बताओ। छापो फटाफट से, करो ट्राई करो, कुछ देखो आ जाओ। तो माइनस डेल है ना, डेल एनओ टू, इसकी निकालो सांद्रता पहले। यहां क्या ये चेंज ही तो होता है, तो माइनस डेल का मतलब चेंज होता है, तो माइनस डेल एनओ टू, एनओ टू को निकालना है। ये लो भैया, हाँ एनओ आएगा ना, एनओ की सांद्रता अपॉन टू, और यहां पर क्या है डी टी। देखो चेंज आ रहा है ना, चेंज आ गया। 700 हो गया, 500 हो गया है, तो 500 माइनस 700 बड़े कितना लिया समय, 250 सेकंड लिया ना। हाँ माइनस करने पर कितना आएगा? अच्छा देखो यहाँ पर बटे में कितना है, दो भी है, दो नहीं बटे में, तो सात में इंटू में टू भी रहेगा, तो कितना आया माइनस 200 बटे कितना, 250 इंटू टू, जीरो खत्म हो गया। तो 10, तो 5 दुनी 10, 5 पंचे 25, माइनस में आएगा ना ये, तो कितना आया बताओ, 0.4, ठीक है ना। अब तो मिलीमीटर मरकरी में एम एम एच जी प्रति सेकेंड, किस में एम एम एच जी प्रति सेकेंड में, लेकिन ये जो मात्रक है इसकी ये थोड़ा ना है मात्रक, तुमको मैंने क्या लिखवाया था, एटीएम पर सेकेंड। क्यों
तो 10 है ना इधर, 10 बटे कितना है 25 से भाग देंगे ना। हाँ तो 2 ही तो है, स्टोइकोमेट्रिक गुणांक है ना इधर ये, ठीक है ना भाई। अब सुनो, MMHG को बदलना है किसमें, ATM पर सेकंड में, तो 760 से भाग करते हैं। देखो एक ATM इक्वल टू होता है 760 MMHG, है ना, ठीक है। तो इसको 760 से भाग करना पड़ेगा भाई, 0.4/760। अब ये MMHG के स्थान पर क्या आ जाएगा, ATM पर सेकंड, ATM ये इकाई परिवर्तन करना पड़ता है, ठीक है। तो इसको भाग देकर जो भी आंसर आएगा ना वो ATM पर सेकंड में आएगा। तुम बोलो क्यों चेंज किया इसमें मैंने भाग देकर उसको, क्योंकि इसकी इकाई क्या होती है, ATM पर सेकंड था किसमें, MMHG में। एक और होती है इसकी इकाई टॉर, TOR, टॉर। तो टॉर का ना उस बुक में पीछे दशक पर दे रखा है इकाई परिवर्तन कैसे करना है। अब तुमसे इसके बाद क्या पूछा, दूसरे का पूछा उसका, अब ये जो है वो उसके इक्वल ही तो होगा नहीं होगा, तो तुमको निकालना है। देखो डेल्टा NO2 है ना, अपॉन में क्या है 2 और डेल्टा टी, हाँ ये इक्वल होगा किसके, माइनस डेल NO अपॉन किसके 2 डेल्टा टी के। 2 क्या हुआ, मर गया नहीं मर गया भाई, यहां भी 2 वहां भी 2, तो मार दो इसको, क्या दिक्कत है। तो डेल्टा NO2 का आपको निकालना है DT और सो डेल्टा टी, माइनस पहले से ही और माइनस 0.4 और लगा दो, तो 0.4 ही तो आएगा, 8 कौन कह रहा था भाई, बर्बाद हो गए तुम। MMHG पर सेकंड भाई 760 से भाग कर देंगे, कहाँ पहुंच जाएगा, सेम वेग है दोनों का, है ना, ये खत्म होने की दर और वो बनने की दर दोनों की सेम है अभी क्रिया वेग, ठीक है ना। ये तुम्हारा खत्म हो गया, इसके बाद हम तुमको एक टॉपिक पहले ना वो से खेलेंगे हम लोग, कि ये जो वेग है इसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, अभी क्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, अगला टॉपिक यही है ना। अभी क्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है ना, इसे अपन लोग पढ़ेंगे कल, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। एक क्वेश्चन देखो आप, इससे पहले हमको इसने मस्त क्वेश्चन दे रखा है, अरे इसका सेकंड पार्ट हो गया, इसमें 2 क्वेश्चन था ना, इसमें 4.1 4.2 पार्ट में तो प्रश्न था ना, दोनों हो गया था आंसर आ गया था। हाँ भाई तुमने किया भाई सेकंड क्वेश्चन, इसका सेकंड क्यों नहीं किया, सेकंड में कह रहा है कि एक ही सांद्रता 10 मिनट में 0.5 मोल पर लीटर से घटकर 0.4 मोल पर लीटर रह जाती है, समयांतराल के लिए अभिक्रिया वेग कितना टाइम है ये, हाँ जो भी टाइम है इसमें 10 मिनट में है ना, तो आपको ये वेग करना था ना क्वेश्चन, नहीं किया, पकड़ो अभिक्रिया वेग लिखना आना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन तुमसे नहीं हुआ, फर्स्ट तो आराम से हो जाएगा। क्या कह रहा है, 2A से उत्पाद बन रहा है, 2A है ना, इससे क्या बन रहा है उत्पाद, मतलब कि प्रोडक्ट, 10 मिनट में जो है 0.5 से घटकर कहाँ पहुंच गया, सांद्रता है ना, तो आप इसके पहले वेग लिख लो, तो क्या लिखोगे, अभिक्रिया वेग, अभिक्रिया वेग, उत्पाद का हमें निकालना ही नहीं है, तो डेल्टा औसत कह रहा है, चलो औसत निकाल देते हैं ना, डेल्टा A अपॉन डेल्टा टी, यहाँ 2 भी तो लगाओगे नीचे, फिर लगाएंगे लड़के, सांद्रता में कितना चेंज हुआ, देखो 0.4 हो गया, माइनस कर दो 0.5 को, अपॉन 10 गुना 2, क्या कह रहे हो भाई, 0.5 हाँ, का दिक्कत, तुम तो यार सारे ऐसे बोले जैसे हमने कुछ गुनाह कर दिया हो, मारने को तैयार हो जाता, माइनस 0.1 20 लिख दूं, पता क्या लिखेगा, भाग करना आता है, लो तुम भाग करना नहीं आता बताओ,
कहा गल दे रही है, आधा लिखना भाग करना था 0.00 कितना, लो भैया 20 पंचे कितने होते हैं, 20 पंचे 100। अबे तो तुम कभी अगर तो फंस जाओ ना, जैसे मैं फंस गया कुछ मत करना, ये हटाओ 10 आ गया नीचे, 1/2 गुना क्या कर दो 10 की पावर, चलो छोड़ो 100 लिख लो, क्या लिख लो, लिख लिया। अब 0.5 होता है 1/2, भाग करोगे 100 से कितना बन जाएगा 0.00, ले भैया हम 5 नहीं आ गया। अच्छा देखो ये था किसमें, सेंटर ओ सॉरी कंसंट्रेशन, तो मोल पर लीटर पर मिनट, सेकंड क्यों आएगा, ये था ना मिनट में था तो फिर पर मिनट। अच्छा तुमसे बोलता पर सेकंड में निकालो, तो 60 सेकंड को सॉरी मिनट को सेकंड में चेंज कर देना, लो खत्म हो गया सॉल्व, इसका आंसर यही होगा। बेटा काकू से पंगा नहीं लेना, वो तुरंत देख देख दे -3 ठीक है, मोलर पर मिनट। काको होशियार हो गया जब से केमिस्ट्री पढ़ने लग गया मुझसे, हो उसे पंगा नहीं लेना, तुरंत कर देता सॉल्व, खतरनाक। ये एक बार तो यहाँ पढ़ता है, एक बार घर जाकर दोबारा देखता है वीडियो, होशियार नहीं होएगा ये, हमारा बहुत टाइम इसी से तो बढ़ रहा है, ये एक बार देखता है घर जा करके, मास्टर ने ये कैसे से आप समझाया था। आप लोग ठीक है भाई, अगली क्लास में ना आपको हम समझा देंगे वेग को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है 10-12 हैं, पेपर में आता है बहुत बार, 2 नंबर का, छाप लो उसको ना।